और अब सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जहां पर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जगदीप धनखड़ यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साथ में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, ये सभी यहां पर मौजूद हैं और नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यहां पर नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं और मौजूदगी में ही एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का यहां पर नामांकन शुरू हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त जो राजनीतिक गणित है वो भी उनके पक्ष में है और ऐसे में अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उनको राज्यसभा के वो सभापति भी होंगे और राज्यसभा के संचालन की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी। और उनका जो पुराना अनुभव है, चाहे वो संसद का अनुभव हो, राजस्थान विधानसभा का अनुभव हो, या उसके अलावा 1990-91 के दौर में चंद्रशेखर की सरकार में वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उसका अनुभव है, ये सारा अनुभव उनके काम आएगा। और इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां पर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ इस वक्त नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है और फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया गया है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद का नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे जगदीप धनखड़ की तस्वीरें हैं। साथ में मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर मौजूद की नितिन गडकरी की भी देखी गई है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन यहां पर दाखिल हो चुका है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, नितिन गडकरी साथ में मौजूद, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, उपराष्ट्रपति पद का नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे और एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया है। तो फिलहाल ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी भी यहां पर मौजूद। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, एक ओर वोटिंग जारी है सुबह 10 बजे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए, वहीं दूसरी ओर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं, क्या जानकारी है? और जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है और ऐसे में पहले ही एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था जगदीप धनखड़ को और अब आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि विपक्ष ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया लेकिन अब तक उसका नामांकन नहीं हुआ। और आज अगर हम जगदीप धनखड़ के नामांकन की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री न सिर्फ प्रस्तावक थे बल्कि उनके साथ में तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, तमाम बड़े नेता जो है वो उनके साथ आज नामांकन में मौजूद दिखे। और दूसरी बड़ी चीज की बीजेपी खास तौर पे जगदीप धनखड़ को किसान नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है कि आखिर एक किसान परिवार से आए हुए नेता को वे राष्ट्रपति बना रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से किसान आंदोलन में विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को कानून किसान विरोधी बोल रहा था। और ऐसे में जगदीप धनखड़ की बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं, हालांकि 2003 में ही बीजेपी ज्वाइन करी है, उससे पहले वे कांग्रेस के नेता थे, उससे भी पहले जनता दल के नेता थे जबकि वे मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में। और ऐसे में क्योंकि राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में चुनाव भी होने वाला, तो कई राजनीतिक समीकरणों से भी जोड़ के इसे देखा जा रहा है। हालांकि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर है और बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि मान रही है कि इस बार उन्होंने किसान
परिवार से किसी शख्स को यहाँ पे उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, अगर बात करें जो राजनीतिक गणित है वो क्या कुछ कहता है, क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जिनको लेकर आज वोटिंग हो रही है, बिल्कुल साफ नतीजे लगभग स्पष्ट नजर आ रहे हैं, जो समर्थन है उनको काफी ज्यादा मिला हुआ है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या कुछ राजनीतिक गणित है उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर लोकसभा में बात की जाए तो बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और तमाम सहयोगी दल जो है वो बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही थी द्रौपदी मुर्मू को लेकर, उसी तरह यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। विपक्ष ने पहले कहा जा रहा था कि आम सहमत से कोई प्रत्याशी तय होगा, लेकिन जब बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया तो उसके बाद विपक्ष की बैठक जो है वो खासतौर शरद पवार के घर होती है और उसके बाद मार्गरेट अल्वा को विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष भी एक संदेश देना चाहता है कि भले ही आपके पास बहुमत हो, आपकी मजबूत स्थिति हो, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और खासतौर पे 2024 को लेके विपक्ष आपस में तमाम पार्टियां जो हैं वो खासतौर पे कितनी एकजुट रह पाती है, ये भी एक बड़ा समीकरण है। और इसी वजह से यशवंत सिन्हा के चुनाव की बात करें या अब जो मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी घोषित किया उनके चुनाव की बात करें, इससे ये भी स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कौन सी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी की तरफ जा सकती है, बीजेपी की तरफ जिनका रुख हो सकता है। तो तमाम चीजें जो है वो राजनीतिक समीकरण है। हालांकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन राजस्थान जहां से खास तौर पे जगदीप धनखड़ की बात करें, जगदीप धनखड़ आते हैं तो वहां इसी साल चुनाव होने वाला है और ऐसे में कांग्रेस वहां पे गवर्नमेंट है और जाहिर तौर पर गुजरात के साथ राजस्थान में भी चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं राजनीति इफेक्ट भी इस चीज का आएगा। ये तमाम विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं और यही बड़ी वजह है कि जो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं उन्हें लेके कहीं ना कहीं राजनीतिक गणित भी शामिल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी की मौजूदगी में यहां पर नामांकन दाखिल किया गया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी साथ में मौजूद हैं और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है, एनडीए की ओर से उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है।